आज देखिए टाइटल बोर्ड क्या है, वी ट्राइड समोसा वर्थ 1500 रुपीज़। ये नहीं है कि 1500 रुपये के हमने कई 100 समोसे ले लिया, कई काफ़ी सारे समोसे ले लिए, हमने थोड़े बहुत कम लिए, सिर्फ 5 जगह के समोसे ही हैं। तो गाइस हमने चायों से समोसा ले लिया है एंड काफ़ी और जगह से समोसे ले लिए हैं। चाय पे प्लेन समोसा नहीं मिलता तो हमने समोसा चाट लिया है छोलों के साथ। चलते हैं और बाकी समोसे भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखो तानिश जा रहे हैं, तानिश रन 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 रन। तो तानिश को भेजा चाय पॉइंट पे समोसा लेने के लिए। तो अगर आपने चाय वाय पीनी हो तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है चाय पीने की, चाय पॉइंट, ये नेक्स्ट टू चाय बार है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको बढ़िया सी चाय मिलती है एंड समोसा भी। तो गाइज ये देखो, ये है जो इनके फाउंडर है ललित के, उनकी कार है फरारी एंड बड़ी रियर कार है ये। एंड अगर ये गाड़ी हमेशा आपको ललित के जो सीपी में होटल है उसके बाहर मिलेगी, इसकी वैल्यू अगर आप मार्केट में देखोगे तो इसकी एंटीक वैल्यू इज़ मोर देन 3 करोड़ रुपीज़। सो गाइस ये है चायोस का, ये है 500 रुपये का समथिंग, 575 का है ये समोसा, कीमा समोसा का बिल संभाल के रखा। दिस इज यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस का कीमा समोसा है, नथिंग ऑर्डिनरी, आज सब कुछ स्पेशल है। सो शुरू करेंगे सबसे इनएक्सपेंसिव से, फिर जाएंगे एक्सपेंसिव की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिया है चाय पॉइंट से समोसा, ये अराउंड 50 रुपये का है, मैं इसको ऊपर रख दिया। तो ये है समोसा 50 रुपये का चाय पॉइंट से, सिंगल समोसा है, बटर पेपर में है और ये देखें चायोस का समोसा। तो आपको ये बताऊँ, चायोस और चाय पॉइंट आपस में कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है कैसे, बिकॉज जैसे मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग हो गया, तो ये 150 रुपये का है, वहाँ पे सिंगल समोसा नहीं था तो वहाँ पे मिलती है मटर वाला समोसा। आहा बढ़िया सा छोलों के साथ है 150 रुपये का। फिर देखो यहाँ पे हमने थोड़े पैसे बचा लिए, ये मैसी का समोसा है, अगर आप मेन ब्रांच से लोगे तब ये कुछ 200-250 का देते हैं, और अगर बाहर से ले लोगे टेक अवे जहाँ पे इनका काउंटर है वहाँ पे फिर 80 रुपये का समोसा है, लेकिन ये 250 रुपये का वर्थ है, हमने थोड़ा दिमाग यूज़ करा और पैसे बचा लिए। समोसे का साइज़ देखो, मैंने इससे बड़ा समोसा कभी नहीं खाया, आपने कभी खाया है? ये 80 रुपये का भी मिल सकता है, 250 रुपये का मिल सकता है, आपके ऊपर ऑप्शन, आपने महंगी जगह से टेक अवे लेना सस्ती, एक ही चीज़ है, एक ही किचन है, सब कुछ एक है, बस पैकिंग का फ़र्क होएगा। तो ये है 250 रुपये का। अब आ जाओ आप इस पे, आई थिंक ये है ललित होटल का, यहीं पे वो जगह जहाँ पे मैंने आपको वो एंटीक गाड़ी दिखाई थी फरारी, जो इसकी वैल्यू मार्केट में कई जगह 3 करोड़ रुपये दी है। कॉकटेल समोसा, ये 1, 2, 3, 4 समोसे मिलते हैं। एंड अब सबसे अद्भुत यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस का समोसा, ये है कीमा समोसा। तो सारे समोसे अद्भुत है अपने आप में, ये देखिए गाइस, 50 रुपये का, 150 रुपये का, 250 रुपये का, 500 रुपये का, 520 रुपये का, ये है सारे समोसे। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं, हमने कैफ़े कॉफ़ी डे भी गए थे लेकिन वहाँ पे 2-3 आउटलेट में समोसा एक्सपायर तो उन्होंने दिया नहीं, तो वेरी गुड ऑन पार्ट ऑफ कैफ़े कॉफ़ी डे। ये है चाय पॉइंट का बेसिक समोसा है, काफ़ी मिर्ची है, जैसे हलवाई वाला समोसा होता है ना, बिल्कुल स्ट्रीट फूड का टेस्ट है। आप शायद बोल रहे हो कि आपके लोकल हलवाई के पास शायद ये सारे समोसे 5-6-10 रुपये के मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आपको बताया था कोरोना काल है, हाइजीन का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको हाइजीन हाइजीन वाली जगह ही दिखाए। तो ये मस्त समोसा है, बिल्कुल मस्त हलवाई टाइप, लेकिन भाई ये तो चाट ही है 150 रुपये में, आई थिंक 150 रुपये के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी स्पाइसी है। चाय पॉइंट का फुल नंबर है हलवाई जैसा समोसा देने में QSR फॉर्मेट में, दिस इज़ वेरी डिलीशियस, और 150 रुपये में पैसे पूरे वसूल है। आप इसके बाद ये भी कांदा वांदा भी खा सकते हो नींबू निचोड़ के। अब ये है 250 रुपये वाला एम्बेसी का समोसा, काफ़ी क्रिस्प है, वो हो पनीर ही भरा हुआ इसमें तो काफ़ी ज़्यादा। पूरा खोल के दिखाता हूँ, इससे बड़ा समोसा नहीं खा रखा,
इसमें आलू के बड़े बड़े पीसेस हैं, मटर है, पनीर है। आपको लग रहा है 80 रुपये का काफ़ी बड़ा समोसा दे रहे, लेकिन ये सोचो कि ये समोसा दो बंदे खा लें ना, उनकी कुछ देर की भूख शांत हो जाएगी। सीपी में अगर 80 रुपये का समोसा आप खा लो, या फिर अगर रेस्टोरेंट बैठ के भी खा लोगे तो 250 रुपये का बिल आएगा आपका, तो दो जने शांत हो जाएंगे। बात करें अब इनके एम्बियंस की, इसका तो नॉर्मल QSR मैकडॉनल्ड जैसा एम्बियंस है, इसका भी मैकडॉनल्ड जैसा है। इसका जो बाहर वाला आउटलेट है उसका एम्बियंस टेक अवे जैसा है, अंदर काफ़ी अच्छा, जैसे ब्रिटिश राज का कोई रेस्टोरेंट हो पुराने टाइप के, जैसे सीपी में होते थे वैसा उसका एम्बियंस है। तो 250 रुपये अंदर बैठ के तो पैसे वसूल है, और बाहर का उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ करके, अंदर बैठ के खाओगे तो 250 रुपये, बाहर 80 रुपये का है। मुझे एम्बेसी घर में ये चीज़ बिल्कुल चौकस लगी। अब ये है समोसा ललित का, ललित का भी एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुरानी होटल चेन है और काफ़ी सारी NGOs के साथ जुड़ी हुई है, काफ़ी सोशल वर्क करती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ललित ग्रुप पर्सनली। एंड इसका भी आपको तोड़ के दिखाते हैं, फ्रेश बना के दिए उन्होंने, ये देखिए ये बिल्कुल हलवाई जैसा है मिक्सर अंदर। अच्छा है, बट अब खाते हैं नॉन वेज वाला, काफ़ी हो गया वेज। अब वेज की कहानी क्या है, इसमें वेज समोसा भी देते हैं आलू वाला, लेकिन इतने सारे आलू के समोसे और ये क्या फ़ायदा, इसमें मिलता है ड्राई फ्रूट समोसा, नहीं हमने खाया कीमा समोसा आप लोगों के लिए। अरे खुल जा बाबा, हो देखिए देखिए गाइस, कीमा ही कीमा है इसमें, तो थोड़ा कीमा टेस्ट करते हैं। आउटर फिलिंग तो हमने कर ली, द फीलिंग्स ऑफ अ समोसा। फाइनल रिव्यू केस, एम्बियंस वाइज अगर मैंने जाना हो तो आई विल गो टू रॉयल कॉफी हाउस, काफ़ी अच्छा ओवरऑल खाना अच्छा होता है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। 24/7 जो ललित में है उसका 24/7 जो रेस्टोरेंट है वो बेसिक जैसे सबके 24 होते हैं, तो एम्बियंस वाइज इज यूनाइट कॉफी हाउस। टेस्ट वाइज किसका सबसे बेस्ट था, चाय उसका बेस्ट टेस्ट बेस्ट, उसके बाद चाय पॉइंट सरप्राइजिंगली, मतलब बिल्कुल हलवाई वाला समोसा बिल्कुल। एम्बेसी का ठीक था, मतलब बड़ा है तो अच्छा है वाली कहानी है पेट भरने वाली। ललित का भी डिसेंट था, मतलब एम्बियंस वेम्बियंस वहाँ पे जा रहे हो मीटिंग करने तो ठीक है। और द विनर इज मेरे हिसाब से सायोस, लेकिन एक ओपिनियन तानिश का भी लेते हैं कि उसको क्या अच्छा लगा। नॉर्मल समोसा है, ऑलमोस्ट समोसा होना चाहिए 10 रुपये का, बट इसकी ब्रांडिंग की वजह से 50 रुपये का है। यह चाय 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 उसका। सो गाइस डोंट कोई नेगेटिव कमेंट लिखना तानिश का, बिकॉज बहुत कम कैमरे के आगे आता है, सो चलता है धीरे धीरे, ही विल आल्सो इंप्रूव एंड ही विल आल्सो होस्ट इंडिविजुअल सीरीज ऑन HMM। बढ़िया है, काफ़ी अच्छा चटपटा फ्लेवर है, ये बढ़िया है, काफ़ी बेस्ट एक्चुअली। अब मैं सब में से मुझे ललित का बेस्ट लगा। देखो वही बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क आ जाता है एज वाइज भी, उसको ललित का अच्छा लगा। ये कीमा समोसा ये सबसे महंगा है मेरे ख्याल से, चटनी बहुत अच्छी लग रही है इनकी, आप चटनी देखो, चटनी चेक करो, खतरनाक चटनी मिला हुआ। हाँ ऑल ऑर्गेनिक, तो ये हम लोग अपने अभी ये निकाल के, बिकॉज वी डोंट वेस्ट फूड, टेस्टिंग हो गई है, ये ड्राइवर भैया को दे देगा अभी। बेस्ट जो है मुझे लगा ललित का ऑब्वियसली, अच्छा। फिर उसके बाद कीमा समोसा, एंड एम्बेसी का भी एवरेज था, और लास्ट में चाय पॉइंट का मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मतलब नॉट वर्थ इट। ये बंदा देखो सब बोलते हो ना इसको सस्ता खाना खिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आज महंगे खाने को जिता रहा है ये देखो ये है असलियत इसकी, क्वालिटी गाइस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट वीडियो आप किसकी देखना चाहते हो, देखो मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव देखोगे तो मुझे तो ये 150 रुपये वाला और ये 50 वाला अच्छा लगा। तानिश को दोनों चीज़ें महंगी अच्छी लगी, तानिश इज मोर वन लाइफ बेबी वाला चैनल देख रहा आजकल वो, तो वैसे ही हो गया, अभी हंग का टैटू भी लगवाएगा ये, पर कोई बात नहीं, देखो कितना अच्छा पीछे वॉल है, ये वॉल ढूंढने में हमें आधा घंटा लग गया, हम इसके बाद शूट करना चाह रहे थे, पीछे भी चाय समोसा का स्टॉल लगा हुआ है। एंड ये देखो ये मोनालिजा नकली वाली, सब बढ़िया 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 मज़ेदार। सो नेक्स्ट वीडियो आप किसकी देखना चाहोगे गाइस, अभी हमारी टीम डिसाइड कर रही है कि थोड़ा बहुत व्यूज़ बाकी के मुकाबले कम आ रहे हैं, तो इंटरनली एक चैलेंज आया कि निखिल व्हाई डोंट यू डू अ 30 डे 30 वीडियो चैलेंज,
मतलब ऑडियंस को तो रिस्पॉन्स दिखाई 30 day 30 वीडियो चैलेंज का, क्योंकि शूट करने में काफ़ी मेहनत लगेगी। अगर इस वीडियो पे अप्रोक्सीमेटली अगर आई वुड से 30,000 लाइक्स आ जाए ना, तो मैं 30 day 30 वीडियो चैलेंज करूँगा, पक्का वादा रहा। आप भी सपोर्ट दिखाओ, न्यूट्रल मत रहो। अगर वीडियो पसंद नहीं आई ना, दो बार डिसलाइक करो, और अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर, सब। डोंट हेट एनीवन, लव एवरीवन। फेस्टिव सीजन आ रहा है, सबसे मिलजुल के रहो। जय हिंद, जय भारत।